वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं जो कि स्टोर से रिलेटेड है। जो भी फ्रेशर लोग हैं, फ्रेशर लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उनके लिए अच्छा साबित होगी, क्योंकि उनको स्टोर से रिलेटेड वीडियो सीखने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। और जॉब के लिए हर एक चीज़ मैं बताऊँगा डिटेल्स में। तो पिछले वीडियो में हमने आपको स्पेयर पार्ट से हर रिलेटेड दिखाया था जो भी था स्टोर में। तो उसके बाद मैं अभी आप लोगों को रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, रिपोर्ट से रिलेटेड, जो कि एक यहाँ पे स्टोर से रिलेटेड में आपको कंपनी एक एप्लीकेशन देगी जो आपके ये से उसको 2 से 3 महीना लगेंगे सीखने में। जो कि जो अगर इंग्लिश मालूम है, अरबिक भी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ मैं आप लोगों को रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, रिपोर्ट जो कि नए लोगों के लिए बहुत आसान है। जो भी स्टोर की पर काम सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो ज़रूर देखें, और मैं रिकमेंड भी करें जो भी स्टोर से रिलेटेड वीडियो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरा यहाँ 5 ईयर्स कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले दिखाऊंगा कंप्यूटर से काम करके एक्सेल से, और इसका एप्लीकेशन जो बना है उसके बाद मैं मैनुअली भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मैनुअल काम इसलिए होता है कि कंप्यूटर भी का कभी भी कुछ भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर उड़ सकता है, हैंग कर सकता है। तो मेरे कंपनी में मैनुअली भी काम होता है, जैसे स्टॉक कार्ड्स। तो मैं हर चीज़ डिटेल्स बताऊँगा, और जो भाई को समझ में ना आए वो कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई दूँगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट से बारे में मैं बताता हूँ, 2 तरह से, एक मैनुअली रिपोर्ट हुआ और एक कंप्यूटर से हुआ, जो एप्लीकेशन से, जो आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊँगा, और आपको समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइज, हम लोग अपने डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि जो हम लोग रिपोर्ट बनाए थे, रिपोर्ट का ये प्रिंट है, और इसके बाद मैं आपको पहले कंप्यूटर से दिखाऊंगा, फिर इसके बाद मैं स्टॉक कार्ड से भी समझाऊंगा। तो स्टोर से जानकारी के लिए ये हमारा हो गया एप्लीकेशन वर्क स्टोर, और ये 2020 है, 21 है। तो हम लोग अभी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट निकालेंगे, उसके बाद से रिपोर्ट के बारे में समझाऊंगा इनपुट भी, और मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा जो इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड होगा, जो सामान हाउसवेयर में कैसे रखते हैं, इनपुट कैसे होता है, आउटपुट का मैं फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट लेंगे, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे जो आपको दिख रहा है आउट ऑल जो हम लोगों ने आउट किया, जो भी मटेरियल नंबर से, सीरियल नंबर से, यहाँ से अरबिक भी थोड़ा है इसमें, तो अरबिक के लिए भी आप थोड़ा अरबिक मालूम करना पड़ेगा, तो वैसे इंग्लिश में भी हो सकता है। मैं यहाँ पर एक नंबर डालता हूँ, 4156, ये मेरा नंबर है, जो कि ये सीरियल नंबर होता है जो यहाँ पर बुक के लिए। तो मैंने ओके किया, ये मेरा रिपोर्ट खुल गया जो मैंने बनाया था, सही है। मैं इसमें और भी बता रहा हूँ आपको पूरा फुल डिटेल्स के साथ। तो गाइस, मैं यहाँ से फिर से अपना एप्लीकेशन ओपन कर चुका हूँ। ये हम लोग अपना रिपोर्ट, ये सीरियल नंबर, ये जो हम लोग जो भी मटेरियल आउट करते हैं, इन करते हैं, सबसे पहले एक नंबर होता है, बुक नंबर होता है, जो सीरियल का नंबर होता है, जैसे मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो मटेरियल रिक्वेस्ट का बुक हुआ, इसमें ये जो नंबर आता है, ये नंबर के साथ आपको कोई भी पोस्टिंग करना पड़ता है, इनपुट और आउटपुट से ही। फिर मैं अभी आपको फिर दिखाता हूँ, इसका मैं सेकेंड पार्ट भी बनाऊँगा, अभी स्टोर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये 4156 ये नंबर से मैंने निकाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप एक ये चीज़ देखिए, पहले ये इंड्रोफ्लोक्सा सीन हुआ, यहाँ पे हर चीज़ का, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, हर आइटम का यहाँ पे जो भी आइटम हो एक कोड होता है उसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2215 सेक्शन है, स्पेयर पार्ट्स का अलग होता है, बॉयलर का, मेडिसिन का, हम मेरे स्टोर में मैंने आप पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया था। तो ये आपका कोड हुआ 2215028, ये आपका कोड हो गया ये आइटम का, इंड्रोफ्लोक्सासिन।
उसके बाद मैंने यहाँ पे ये आउटपुट है, ये इनपुट नहीं है, ये आउटपुट है, ये हम लोगों ने आउटपुट किया 12। हम लोगों के पास पहले बैलेंस था 104, तो जब 12 आउट किया हमने तो 12 आउट करने के बाद मेरा बैलेंस आया 92। यहाँ पे आप देख सकते हैं 92। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर से किया हुआ वर्क। मैं और भी डिटेल्स में बताऊंगा सेकेंड वीडियो में। सेकेंड वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं फुल डिटेल्स में बताऊंगा मेरा जो भी काम है, इतना डिटेल्स में आपको कोई भी नहीं बताएगा जो आपका वर्क कर रहा है। तो फाइनली यहाँ पे ये हमने आपको बता दिया, जो स्टॉक आएगा ये आउटपुट है। इनपुट का अलग मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, तो उसका सेकेंड पार्ट में लाऊंगा। तो ये आपका बैलेंस हुआ। ये तो हो गया हम लोग का सिस्टम से काम करने का। ये अब मैं मैनुअली भी बताऊंगा आपको जो कि कार्ड से रिलेटेड होगा। तो ये प्रोग्राम है एक्सेस, एक्सेस में ये एडिट किया हुआ है, जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का ये है, जो हम लोग का मेन स्टोर है वो एडिट किया हुआ है। तो अभी मैं आपको स्टॉक कार्ड में ले चलूँगा, मैनुअली काम भी होता है, तो मैनुअली काम के पास अभी चलते हैं हम लोग। तो आपने ये रिपोर्ट देख लिया, अब मैनुअली सेम जो इसमें रहेगा वो सेम कार्ड में भी होना चाहिए। इसका ये डिटेल्स है, सेम इसमें जो हो वो कार्ड में भी होना चाहिए, वो भी बैलेंस होना चाहिए। तो हम आइए अब हम लोग चलते हैं मैनुअली में देखने तो कैसा है। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं मैनुअली के लिए। ये हो गया हमारा रिपोर्ट और ये हो गया हमारा स्टॉक कार्ड। ये स्टॉक कार्ड का नंबर है, मैं इसको भी डिटेल्स में बताऊंगा स्टॉक कार्ड से क्या होता है रिलेटेड वीडियो, सेकंड वीडियो भी लाऊंगा इनपुट का भी। तो ये हो गया, मैं अभी आपको दिखाया था सिस्टम पे इनरोफ्लोक्सा सीन, ये आउटपुट का है आपने कितना आउट किया, और ये हो गया आपका बैलेंस। तो ये नंबर भी था, सीरियल नंबर जो मैंने बताया था मटेरियल रिक्वेस्ट में जो नंबर होता है वो इसके साथ सिस्टम में इनपुट आउटपुट होता है, तो ये आउटपुट है नंबर। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखा चुका हूँ कि ये 22150 2280 इसका कोड है, इंडोफ्लोक्सा सीन 12 आउट हुआ, 92 यहाँ बैलेंस हुआ। अब आते हैं स्टॉक कार्ड को समझते हैं जो कि मैनुअली काम होता है सिस्टम के बाद। तो स्टॉक कार्ड का ये सेम इंडोफ्लोक्सा सीन हुआ और ये नंबर हुआ सेम जो इसका था 228। तो यहाँ पे हम लोग का बैलेंस दिख रहा है 92, यानी यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था 12-104 का माइनस करने के बाद 92 आया। तो यहाँ पे आपको भी देख सकते हैं 12 माइनस करने के बाद 92 आया। तो यहाँ पे स्टॉक कार्ड का बहुत ही आसान ये भी है समझने के लिए, जैसे यहाँ पे स्टोर कीपर आपको दिख रहा होगा, स्टॉक कार्ड का स्टोर कीपर का स्टॉक कार्ड है ये, जो कि मटेरियल से जो भी जो जिसका भी मटेरियल हो वो उसका वो दिखेगा। तो यहाँ पे डेट है, वो भी नंबर है, जो कि ये नंबर से हम लोग आउटपुट करते हैं। तो यहाँ पे इतना मैं फुल डिटेल्स में बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। सो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर करें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ डेट हो गया, वो भी नंबर, इनपुट ये जो भी सामान आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इनपुट दिखाया हूँ, इसका वीडियो मैं दूसरा बताऊँगा जो कि अलग सिस्टम से भी दिखाऊँगा और इसको भी बताऊँगा। तो यहाँ पे जो भी हम लोग आउट करते हैं, आउट करने के बाद जो माइनस होता है 108 के बाद 4 माइनस हुआ 104 हुआ, 12 माइनस हुआ 92। तो ये वीडियो है, ये स्टोर का काम है, तो बहुत ही आसान तरीका है स्टोर का काम सीखने का। तो फाइनली नेक्स्ट पार्ट भी मैं लाऊंगा इनपुट से रिलेटेड। इसका जितना भी आइटम दिख रहा है आपका सबका कार्ड होगा, सही है। तो चलिए फिर यहाँ वीडियो पे हम एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फाइनली गाइज मैंने आपको दिखाया स्टोर से रिलेटेड वीडियो, जो कि रिपोर्ट आपका होगा सेम जो भी रिपोर्ट। यस, तो फाइनली गाइज आपको स्टोर से रिलेटेड वीडियो समझ में आई होगी। और मेरा अरब कंपनी फूड क्वालिटी प्रोडक्शन में मैं काम करता हूँ, और चिकन से रिलेटेड मेरा कंपनी है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स में हर बिल्डिंग से लाइन का जो भी है हर डिपार्टमेंट का मेरे स्टोर में मटेरियल्स है। तो वेयर हाउसिंग है जो भी है अपना, मैं जो आप कमेंट करें मैं हर डिटेल्स में बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरा 5 इयर्स कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे और मुझे
स्टोर कीपर से रिलेटेड पूरा जानकारी हो चुकी है। इंटरव्यू के लिए भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जवाब जरूर दूंगा, क्या क्या क्वेश्चन आता है, और इसका भी मैं एक्सपर्ट बनाऊंगा। तो फाइनली ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट पार्ट मैं जरूर लाऊंगा इंशाल्लाह इनपुट से रिलेटेड, बने रही हमारे साथ।